1.1 के 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, अब हम उसके आगे डिस्कस आगे सॉल्व करते हैं। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 9 / 11, 4/15। अब वही हमने बताया था कि जब कोई कॉमन नहीं होता इसके अंदर तो हमें क्या करना होता है कि डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। अब हमारा पता है कि 11 और 50 में कोई कॉमन नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करके भी हम देख सकते हैं कि हमारा एलसीएम क्या होगा। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 11 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 कैरी ये, फिर 15 और 1 16, 165। अब हमने लिख ले लिया 165। जब हम 11 को 165 में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15। अब हमें पता है कि यहाँ पर क्या हो गया 15, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 15। तो 9 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, 15 को हम जब 11 बार डिवाइडेड करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा 165। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इस 4 को 11 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। हमें पता कि 15 9 जा क्या होता है, 15 9 5 जा 35, 35 3 हो गया। हम ऐसे भी मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हैं, वैसे हमें अब अच्छी तरह टेबल लर्न होनी चाहिए। 15 9 5 = 45, तो कितना आ गया 135। अब हमें पता है 4 क्या होगा, 11 4 = 44, 165। हमने कहा था कि हमारा जो सिंबल जो हमारा साइन है वो हमें क्या होगा एडिटिस रहेगा, तो ये क्या होगा माइनस रहेगा। अब 135 - 44 करने पे हमें क्या आएगा, 5 में से 4 जाएंगे तो हमें पता है 1 बचता है। अब हमें क्या होगा, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये हम पढ़ चुके हैं पहले छोटी क्लासेस में कि जब हमारा हमारा नीचे वाला नंबर बड़ा होता है और ऊपर वाला नंबर स्मॉल होता है तो हमें बोरो करना पड़ता है। जब इनसे हमें पता है कि 3 में जाता हम 13 में करेंगे, 13 में से 4 जाएंगे तो कितना आएगा 9। अब हमारा क्या आ गया 91 / 165। अब हमारा आंसर ये आ जाएगा इसका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर हमारे टू या अभी तक हमने कितने नंबर्स के पढ़े थे, 2 डिजिट्स के पढ़े थे, लेकिन अब हमारे पास कितने आ गए 3 डिजिट। लेकिन 2 हो 3 हो 5 हो कितना भी हो, उन सब का मेथड करने का तरीका एक ही होता है। अब हम अभी तक 2 नंबर के एलसीएम ले रहे थे, अब हम क्या करेंगे 3 नंबर का एलसीएम लेंगे, 10 5 2। एलसीएम निकालना हमें आता ही है, हम क्या करेंगे सबसे पहले 2 से शुरू करेंगे, 2 5 = 10, 5 एडजेक्टिव रहेगा, 2 1 = 2। अब किसका जाएगा 5 का, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 2 × 5 = 10। अब हमें बताया कि 10 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब हम 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5 को 2 से, क्योंकि 5 2 = 2 10 होता है, अब हम 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 5 = 10, तो 3 5 = यहाँ हो जाएगा 7 + 2 2 = 4, 3 5 = 15 / 10। अब हम इसे जब हमें ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7 और 4 कितने होते हैं 11। और इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये 7 और 3 = 10 हो जाएगा 20 24 और 25। हमें अपने डायरेक्ट कैलकुलेशन भी करनी आनी चाहिए, या फिर हम ऐसे रख के भी वो कर लेंगे, ऐड कर लेंगे 5 और 4 9 9 और 7 9 और 7 कितना हुआ 16, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया, हमारा 26 आएगा। अब हमें क्या कर रहे हैं, अब अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो हमने जो आंसर निकाला है वो किसी नंबर किसी टेबल में दोनों में आ रहा है या वो कट रहा है, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, सिंपल में चेंज करना होता है। अगर हमसे पूछता है एग्ज़ामिनर पूछेगा कि इसको आप इजी फॉर्म में लिखो, मतलब इजी फ्रैक्शन बनाओ, तो हमें उसे कटिंग करनी पड़ेगी, कट करना पड़ेगा, क्योंकि 26 में अब हम किसका टेबल जा रहा है, 2 का जा रहा है। देखो 2 5 = 10, 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो हमारी क्या आ गई
थर्टीन डिवाइडेड बाय फाइव आता है। अब हमें क्या करना होता है, थर्टीन डिवाइडेड फाइव। अब हम क्या कर सकते हैं, हमने इसको कट तो कर दिया लेकिन अभी भी हमारा क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। कौन सी भिन्न में, मिक्स फ्रैक्शन में। जब हम थर्टीन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, फाइव टू जो टेन, हमारा रिमाइंडर कितना बच जाएगा, थ्री। ये हमें ये देखना है कि हमारा सवाल जितना सिंपल फॉर्म में निकल सकता है उतना हमें निकालना होगा। जब तक सवाल कट रहा है या फिर वो चेंज हो रहा है उसे हमें चेंज करना होगा। अब हम इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सारी कैसी थी, इम्प्रॉपर और प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिक्स फ्रैक्शन। जब भी मिक्स फ्रैक्शन आता है तो उसे हमें पहले चेंज करना होता है प्रॉपर या इम्प्रॉपर में। अब उसके लिए हमें क्या करना होता है कि जो हमारा सबसे पहले ये दो नंबर है इनको हमें मल्टीप्लिकेशन करना होता है, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसको हमें ऐड करना होता है। पहले क्या करना पड़ेगा, टू थ्री टू जा सिक्स, सिक्स को इसमें ऐड करना पड़ेगा तो क्या आ जाएगा, एट डिवाइडेड बाय थ्री। इसका होता है टू इंटू थ्री प्लस ये, क्योंकि जो ऊपर वाला नंबर है इसको हमें एडिशन होता है और इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना होता है तो कितना आ जाएगा, एट। तो यहाँ क्या आ गया, एट बाई थ्री। इसी तरीके से क्या होगा, टू थ्री जा सिक्स, सिक्स और वन सेवन। अब हमें अब इसका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। अब हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं एलसीएम ना निकाल के, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो थ्री टू जा सिक्स हो गया। अब हमें पता है कि थ्री का जब हम इसमें डिवाइडेशन करेंगे टू आएगा, ऊपर जो टू नीचे से गया है उसी से हमें क्या करना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एट टू जा ये हो जाएगा, और ये सिंबल एज इट इज रहेगा, टू थ्री जा सिक्स, तो सेवन मल्टीप्लाई थ्री। अब हमारा आ जाएगा एट टू जा सिक्सटीन प्लस सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन सिक्स। अब हमें ऐड करेंगे सिक्स और वन सेवन, टू और वन थ्री। अब हमें पता है कि ये हमें किस में चेंज कर सकते हैं, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में। सिक्स 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 या थर्टी सिक्स, वन हमारा रिमाइंडर बच गया और डिवाइजर हमारा सिक्स है, ये हमारा आंसर निकल गया। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सेवन क्वेश्चन, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा कंप्लीट आज हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है सेवन नंबर, इसमें हम क्या करेंगे, वही है कि पहले एट को टू से मल्टीप्लाई करेंगे, एट टू जा सिक्सटीन, सिक्सटीन और वन सेवनटीन, माइनस एट थ्री जा ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर और फाइव ट्वेंटी नाइन। अब देखो हमें यहाँ पता लग रहा है एट और टू में हमारा कॉमन फैक्टर आ रहा है, मतलब टू के टेबल जो हम इसमें देंगे तो हमारा फोर बार जा रहा है, तो इस जगह हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। वैसे एलसीएम एट ही आएगा लेकिन एक बार आपको निकाल के दिखा देती हूँ, टू फोर जा एट, टू टू जा फोर, टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई कितना है एट, टू ए टू फोर जा एट, तो सेवन को फोर से करेंगे, एट वन जा एट, ट्वेंटी नाइन को हम वन से करेंगे क्योंकि वन बार जा रहा है। इसको रफ कर देते हैं आगे सोल्व करने के लिए। सेवन सेवनटीन फोर जा कितना होता है, सेवन फोर जा ट्वेंटी एट, सिक्सटी एट माइनस ट्वेंटी नाइन एट। अब हम माइनस करेंगे, अब हमें पता है कि हमारे पास एट बिग नंबर है, स्मॉल नंबर है और उसके नीचे बिग नंबर है, तो हम इससे क्या करेंगे, बोरो करेंगे। बोरो करने से यहाँ पे क्या हो जाएगा, एटीन, तो एटीन में से नाइन जाएंगे तो कितना आएगा, नाइन, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, फाइव, थर्टी नाइन। इसके नीचे हमारा क्या था, एट। अब हमें वही हमारे पास आंसर किस में आएगा, मिक्स फ्रैक्शन में, एट फोर जा थर्टी टू, थर्टी टू, फिर थर्टी टू में क्या होगा, इसमें जब हम इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, सेवन, हमारा आंसर आ गया फोर, सेवन बाई एट। तो ये आज हमारा क्वेश्चन ही कंप्लीट होता है, फर्स्ट क्वेश्चन 2.1 का। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।